नमस्कार साथियों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठीक ठाक होंगे। और नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं पहुँचे। इसी के साथ साथियों, हमें बहुत कमेंट मिल रहा है कि सर प्रश्नावली 4A स्टार्ट कीजिए। तो प्रश्नावली 4A आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। आप लोग को पता है कि जो कमेंट मिल रहा है, पहले हम कमेंट को पूरा कर रहे हैं, तो इसलिए हमको कमेंट मिला है कि सर प्रश्नावली 4A जो है शुरू कीजिए। तो प्रश्नावली 4A शुरू कर रहे हैं हम, द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जानना ज़रूरी है कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं, ठीक है? तो द्विघात समीकरण किसे कहेंगे? ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात 2 हो। ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात क्या हो? 2 हो, तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का मानक समीकरण है, मानक समीकरण जिसको हम मान के लगाते हैं वह है ए एक्स का स्क्वायर धन बी एक्स और धन सी बराबर 0, ठीक है? ये जो है द्विघात समीकरण का मानक समीकरण है, इसी को मान के लगाते हैं, जो भी सॉल्व करना होता है करते हैं। ये हमारा मानक समीकरण है, ए एक्स का स्क्वायर धन बी एक्स धन सी। इस रूप का अगर कोई समीकरण मिलता है तो वह द्विघात समीकरण होगा, जिस पे एक्स का अधिकतम घात क्या है? 2 है। अगर इससे बड़ा कोई घात रहता तो उसको जो है, मान लीजिए कि एक्स का अधिकतम घात 3 रहता, तो इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? 3 घात का समीकरण। यदि एक्स का अधिकतम घात 5 रहता तो हम कहते कि यह 5 घात का समीकरण है, लेकिन इस पे एक्स के अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे द्विघात समीकरण, ठीक है फ्रेंड्स? अब जहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि ए बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, यदि ये 0 के बराबर, 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो ये जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। और दूसरा कंडीशन ये बताया गया है कि ये शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहेंगे? जिसमें ए वाला पद ना हो, तो इसको शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे, और जिसमें ए पद भी है तो इसको कहेंगे मिश्र द्विघात समीकरण, ठीक है फ्रेंड्स? तो फिलहाल में जो है इस प्रश्नावली के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है फ्रेंड्स? और ये जान लीजिए कि ए बी सी क्या है, तो कोई जो है अचर राशियां हैं। ए बी सी क्या है? तो कोई अचर राशियां हैं, ठीक है फ्रेंड? तो आइए चैप्टर प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं 4A का, ठीक है ना? तो ये देखिए, पहला सवाल दिया हुआ है कि इसको जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक है ना? तो इसको जांच करने के लिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सॉल्व करते हैं, इधर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर को हम लोग इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं सॉल्व, ए प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर के, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ये शायद आप लोगों को पता होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2AB होता है, ठीक है फ्रेंड्स? ये 6, 7, 8 में ही पढ़ाया गया होगा आप लोगों को, ठीक है? तो इसी के अकॉर्डिंग इसको जो विस्तारित करते हैं, तो ए का स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर का मतलब एक का स्क्वायर प्लस में 2AB, तो ए का मतलब एक्स और बी का मतलब 1, ठीक है फ्रेंड्स? बराबर इसको भी ब्रैकेट खोलते हैं, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो जितना इसके अंदर अंक रहेगा उसके साथ इसका गुणा हो जाएगा। तो ब्रैकेट खोलते हैं तो 2x लिख देंगे और माइनस में 3 × 6 लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स? अब क्या करेंगे, अब जो है इसको सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देंगे, एक का वर्ग को एक ही रहने देंगे, प्लस में जो है 2x × 1 को जो है 2x हो जाएगा, बराबर 2x माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स? हमको जो है ये मानक समीकरण के रूप में इसको लाना है, तो इसलिए जो है इस सबको इधर लाएंगे, इधर 0 करेंगे, तो इसको लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x माइनस में 2x। ये देखिए, ये इधर उठ के आएगा तो इसका चिन्ह जो है इधर प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाता है, माइनस 2x कर दिया, ठीक है? फिर इसको भी इधर लाएंगे बराबर के इधर, तो ये भी जो है माइनस में है तो प्लस में 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बराबर 0,
ठीक है फ्रेंड्स, अब जो है क्या करेंगे, ये देखिए प्लस में 2x है, माइनस में 2x है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा ना। और देखिए प्लस में 1 है, प्लस में 6 है, तो इसको जोड़ देंगे तो x का स्क्वायर प्लस में 7 हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो ये जो है हमें x का अधिकतम घात 2 प्राप्त हुआ है, यानी कि द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है, अतः तो यह द्विघात समीकरण होगा। यहाँ लिख देंगे चूँकि चूँकि समीकरण में चर यक्स की अधिकतम घात 2 है, चूँकि समीकरण में चर यक्स की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका दूसरा देखते हैं। ये कह रहा है कि x का स्क्वायर माइनस 2x बराबर है माइनस 2 3 माइनस x, ठीक है, बताना है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, तो ये तो जैसे है वैसे ही रहने देंगे, माइनस में 2x बराबर, अब माइनस 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो माइनस 2 का 3 में प्लस 3 में गुणा होगा तो माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा होता है प्लस गुणा माइनस बराबर होता है माइनस, ठीक है ना, पता होगा आप लोगों को। और माइनस गुणे प्लस तब भी जो है क्या होता है माइनस, माइनस गुणे माइनस तब भी क्या होता है प्लस, तब क्या होता है प्लस, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो इसका जो है गुणा होगा तो माइनस में 6 हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा, और प्लस में जो है क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, इधर सबको लाएंगे, इधर जीरो करेंगे, तो यक्स का स्क्वायर तो रहेगा ही, 2x रहेगा ही इधर है, तो आइए जो है माइनस में हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा प्लस में 6 बराबर इधर हो गया जीरो। ठीक है, क्योंकि मानक समीकरण जो हमारा है उसके रूप में इसको लाना है, इसलिए सबको इधर कर देंगे। अब देखिए अब यहाँ यक्स का स्क्वायर माइनस माइनस क्या होते हैं, जुट जाते हैं, तो जुटेंगे चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो 4x हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में 6 बराबर हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो ये भी देखिए ये भी जो है किस समीकरण के रूप में है, मानक समीकरण के रूप में है, तो कह देंगे कि क्या है, कह देंगे कि ये द्विघात समीकरण है, चूँकि चूँकि लिखेंगे समीकरण में चर का अधिकतम घात 2 है, चूँकि चर का अधिकतम घात 2 है, अतः द्विघात समीकरण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तीसरा नंबर का। तीसरा नंबर क्या कहता है कि x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3 का मान कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब इसमें कोई कटने वाला तो है नहीं, यानी कि इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो कैसे गुणा करेंगे भाई, इसको उठाएंगे और इन दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, फिर इसको उठाएंगे इन दोनों में गुणा कर देंगे। ठीक है, यक्स उठाए यक्स में गुणा किया तो हो जाएगा यक्स का स्क्वायर। ठीक है, फिर यक्स का एक में गुणा करेंगे तो प्लस में यक्स ही होगा, यक्स का नाम यक्स। ठीक है, फिर माइनस 2 का यक्स में गुणा करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, और फिर माइनस 2 का प्लस 1 में गुणा करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है,
इधर यक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर यक्स का तीन में गुणा करेंगे तो प्लस में थ्री यक्स हो जाएगा, माइनस वन का यक्स में गुणा करेंगे तो माइनस यक्स हो जाएगा, माइनस वन का थ्री में गुणा करेंगे तो माइनस थ्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यक्स को इधर सबको इधर लाते हैं इसमें से, या पहले यक्स यक्स को इधर सॉल्व कर लीजिए, यक्स यक्स को इधर सबको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यक्स स्क्वायर, अब प्लस में यक्स माइनस में टू यक्स तो घट जाएगा और चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो यक्स में टू यक्स में से यक्स घटाएंगे, चिन्ह माइनस का रखेंगे यानी कि यक्स रखेंगे। ठीक है ना, जब भी देखिए जब भी कम में से अधिक को घटाते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए 20 में से 30 घटाना है तो इसको माइनस में ही लिखेंगे 10। ठीक है ना, इसको माइनस में क्या लिखेंगे 10। 40 में से 50 घटाना है तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस में 10। 100 में से 200 घटाना है तो इसको माइनस में 100 लिखेंगे। ठीक है ना, माइनस में लिखते हैं जब कम में से अधिक को घटाते हैं तो। ठीक है ना, मैंने घटाते हैं 200 में से 100 लेकिन चिन्ह माइनस का आता है। ठीक है फ्रेंड, तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। अब माइनस में हो जाएगा 2। ठीक है, इधर कर लेंगे इसको सॉल्व, तो इधर एक्स का स्क्वायर प्लस में, अब देखिए 3x है माइनस में x है तो प्लस में 2x होगा क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं प्लस वाला ज़्यादा है कि माइनस वाला, तो प्लस वाला ज़्यादा है तो 2x इसी का चिन्ह रहेगा और माइनस में 3 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको जो है इधर कर लेंगे सबको, तो एक्स का स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 2 माइनस में एक्स का स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में 3 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स का स्क्वायर है और माइनस एक्स का स्क्वायर है तो ये जुटेगा तो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस में एक्स है या माइनस में 2x है तो ये हो जाएगा 3x है, और ये देखिए माइनस में 2 है और प्लस में 3 है तो ये हो जाएगा प्लस में 1 बराबर है 0। तो देखिए एक्स का अधिकतम घात 1 दिख रहा है तो रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया। जब एक्स का अधिकतम घात 1 हो तो इसको रैखिक समीकरण भी कहते हैं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो अतः लिखेंगे कि x का अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह जो है क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। लिखेंगे कि चूँकि समीकरण में चर x का अधिकतम घात 2 नहीं है, 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं। ठीक है साथियों, ठीक है दोस्तों, तो चलिए चौथा सवाल देखते हैं। इसका चौथा सवाल है x माइनस थ्री इंटू 2x+1 बराबर x+5। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखना है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक है ना, इसका इसमें भी होगा, इसका फिर इसमें भी होगा, फिर इसका इसमें होगा, फिर इसी का फिर इसमें भी होगा। ठीक है ना, तो ऐसे गुणा करते हैं तो एक्स का 2x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का 2x में गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा, एक्स गुणा एक्स एक्स का स्क्वायर 2। ठीक है, 2x² और फिर एक्स का +1 में करेंगे तो प्लस में ही होगा एक्स, हाँ, उसके बाद से -3 का +2x में करेंगे तो माइनस में 3 × 6 x हो जाएगा, फिर -3 का +1 में करेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा बराबर, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 5x का हो 5x हो जाएगा। इस बात को तो आप लोग जानते ही होंगे कि x गुणा x बराबर लिख देते हैं x पे 3 घात, लिखते हैं ना, चाहे x गुणा x हो तो x पे 2 घात इन होता है, तो यहाँ भी x गुणा x तो x पे 2 घात और फिर x का 5वां गुणा होगा तो 5x हो जाएगा, होगा। अब देखिए यहाँ जो है
इन सबको इधर लाएंगे तो 2x² प्लस में x माइनस 6x माइनस 3, ये तो इधर रहेगा ही। अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस में x² और ये भी इधर आएगा तो माइनस में 5x हो जाएगा, होगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं सॉल्व करके। अब देखिए 2x² है यहाँ पे, x² माइनस में है तो इसको लिख सकते हैं x², ठीक। अब देखिए माइनस 5x है, माइनस 6x है तो 6 5 11x हो जाएगा। अब प्लस में x है तो ये घट जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 है माइनस में, तो माइनस में 3 ही रहने देंगे, बराबर इधर हो गया 0, यहाँ तो 0 लिखेंगे, बराबर हो गया 0 के। तो ये क्या है, x का अधिकतम घात 2 है, अतः यह जो है क्या है, मैंने वही लिख देंगे जो ऊपर से लिखते आ रहे हैं, अतः द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है, अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद से देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद पांचवा सवाल देखते हैं। इसका पांचवा सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है x² प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर x प्लस सॉरी x माइनस है, x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये तो सॉल्व है, इसी को सॉल्व करना है। तो x² प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर इसको जो है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर से कर देंगे, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2 क्या हो जाता है, a का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इससे इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इसका मान क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में 2 2 4, इसका वर्ग 2 2 4, अब माइनस में 2 2 x, तो इसको x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4x होगा। इसको पक्षांतर कर लेंगे, सबको इधर लाएंगे तो x का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर और यहाँ प्लस में 3x है, यहाँ इसको इधर लाएंगे, मैंने x वाला भी साथ में ला दे रहे हैं, तो प्लस में 4x हो गया, ठीक है। और फिर ये प्लस में 1 है तो इसके साथ ही आएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। ऐसे भी पक्षांतर कर सकते हैं, x इधर है तो इधर x वाले के साथ लिख दिए, ठीक है, यहाँ बिना x का है तो यहाँ यहाँ ऐसे लिख दिए, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं पक्षांतर। अब देखिए x का स्क्वायर है और ये भी माइनस में x का है तो ख़त्म हो गया। अब ये बचा क्या, तो 4 3 7x, 4 3 7x और ये माइनस में 3 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो गया 0। अब देखिए x का अधिकतम घात जो है यहाँ 1 है, x पे अधिकतम घात क्या है, 1 है, जो कि एक रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिखेंगे कि अधिकतम घात कम घात 2 नहीं है, 2 नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं, ठीक है फ्रेंड्स, यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखते हैं नेक्स्ट छठवां सवाल। छठवां सवाल क्या कह रहा है, छठवां सवाल है, छठवां सवाल x प्लस 2x³ कमेंट आ रहा था फ्रेंड्स कि आप बड़े वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो बड़ा वीडियो बना रहे हैं फ्रेंड्स, x का स्क्वायर माइनस में 1, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो है ये जो है हम लोगों को जो है
याद होना चाहिए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस थ्री ए प्लस बी होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस थ्री ए बी और ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, ए प्लस बी का होल क्यूब इतना होता है। तो इसको विस्तारित करेंगे तो ए का मतलब ए के जगह पे क्या है, यक्स है, तो यक्स का क्यूब प्लस बी के जगह पे दो है तो दो का क्यूब और प्लस में थ्री, ए का मतलब यक्स और बी का मतलब टू और ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि यक्स प्लस दो। ठीक है, बराबर इधर भी लिख लेंगे इसको, बराबर इधर लिख लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ जगह का अभाव है, टू यक्स और यक्स का स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस वन कर देंगे। अब यहाँ थोड़ा प्रेस कर लेते हैं, अब इसको जो है और सॉल्व करेंगे तो यक्स का क्यूब हो जाएगा प्लस में सॉरी। हाँ तो लाइट चली गई थी फ्रेंड्स, मोबाइल के लाइट से बना रहे हैं वीडियो। तो यक्स का क्यूब प्लस में टू यक्स क्या टू का क्यूब, तो टू का क्यूब कर देंगे, दो दो चार दुनी आठ हो जाएगा। टू का क्यूब का मतलब दो का तीन बार गुणा। ठीक है फ्रेंड, साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, प्लस में ये हो जाएगा तीन गुना छः यक्स प्लस टू। ठीक है, बराबर इधर हो जाएगा टू यक्स का यक्स स्क्वायर में गुणा कर देंगे तो टू यक्स का क्यूब हो जाएगा प्लस माइनस में हो जाएगा, टू यक्स का एक में गुणा करेंगे माइनस में तो माइनस में टू यक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यक्स का क्यूब प्लस में आठ प्लस में, अब सिक्स यक्स का यक्स में गुणा होगा तो सिक्स यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, सिक्स एक्स का प्लस में होगा तो छः दूना बारह एक्स हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा टू एक्स का क्यूब और माइनस में टू एक्स होगा। अब जो है एक मिनट फ्रेंड्स। ठीक है, अब जो है इसको इधर कर लेंगे तो एक्स का क्यूब प्लस में, पहले इसको ये लिख लेते हैं, सिक्स एक्स का स्क्वायर प्लस में बारह एक्स माइनस में अब टू एक्स का क्यूब और प्लस में टू एक्स हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए एक्स का क्यूब माइनस में टू एक्स का क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस में एक्स का क्यूब, क्योंकि माइनस वाले का चिन्ह अधिक है। ठीक है, तो माइनस में एक्स का क्यूब लिख देंगे, अब सिक्स एक्स स्क्वायर है और कहीं एक्स स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो सिक्स एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है बारह एक्स है और प्लस में टू एक्स है तो हो जाएगा चौदह एक्स प्लस में। ठीक है, चौदह एक्स प्लस में हो जाएगा, अब बचा क्या, प्लस में आठ, बराबर हो गया जीरो। ठीक है फ्रेंड, तो अब देखिए इसमें एक्स का यानी कि चर राशि का अधिकतम घात क्या आ रहा है, तीन, तो इसमें चर का अधिकतम घात तीन है तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि अधिकतम घात दो होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे कि चर का अधिकतम घात दो ना हो के तीन है, इसलिए जो है क्या है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात, बाकी आप लोग लिख दीजिएगा कि इसका अधिकतम घात एक्स का अधिकतम घात दो नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पांच ही वीडियो इसमें बनाते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।